सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर है जिसमें टोटल मार्क्स ट्वेंटी है इसमें ग्रामर में टोटल टेन मार्क्स हैं इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है वो ट्वेल्व है जिसमें से टेन क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं टी फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रेकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर एक लेटर का यहाँ पे पोर्शन दिया हुआ है हिस्सा दिया हुआ है ब्रेकेट में जो वर्ड है हाईलाइट इसका करेक्ट जो फॉर्म है ना वो यहाँ पे हमको भरना है तो इसको पढ़ते हैं डियर सर दिस इज विथ रेफरेंस टू कमेटीज लेटर आप रिकमेंडेशन दैट ब्लैंक हाईलाइट द नामिनेस फार सेफ रेसिडेंशियल एरिया अवार्ड फॉर दिस करेंट ईयर अब देखिए इसमें एक मज़ेदार बात है इसमें बोलेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है तो सब्जेक्ट इसमें काफ़ी लंबा दिया हुआ है लेकिन एक्चुअल में लेटर को ही हमको सब्जेक्ट मान के चलना है और लेटर को हम लोग सब्जेक्ट मानेंगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में हाईलाइट जो है ना वो हाईलाइट हो जाएगा ठीक है ऐसा क्यों है क्योंकि दिस इज विथ रिफरेंस टू कमेटीज लेटर तो देखिए इसको हम लोग हटा देंगे तो इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट ठीक है ना तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट का मतलब हो गया कि लेटर जो है वो सिंगुलर हो गया और थर्ड पर्सन है इसीलिए भर के साथ में एस और ये जो लगता है सिंपल प्रेजेंट में उस रूल के कारण यहाँ पे हाईलाइट का क्या हो जाएगा हाईलाइट्स हो जाएगा तो इसको ऐसा पढ़ेंगे कि डियर सर दिस इज विथ रेफरेंस टू कमिटीज लेटर आप रिकमेंडेशन दैट हाईलाइट्स द नामिनेशंस फॉर से रेसिडेंशियल एरिया अवार्ड फॉर दिस करेंट ईयर इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए रीड द गिवन सेंटेंस फ्राम अ रेसिपी रिव्यू आर्टिकल आइडेंटिफाई द इरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है जो कि एक रेसिपी रिव्यू आर्टिकल से लिया गया है इसमें इरर को आइडेंटिफाई करना है और करेक्शन को सेंटेंस में हमको करके यहाँ पे लिखना है क्या करेक्शन होगा उसको इसको पढ़ते हैं सेंटेंस को कि दिस डिलइटफुल रेसिपी मस्ट कीप यर हंगर पेंग सेड बे विथ इ बैलेंस्ड स्पाइसिस एंड ओरिएंटल फ्लेवर ठीक है जो एंसर है ना उसको कॉपी में आपको ये जो फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है हीरा और करेक्शन वाला जो एक बाग से बना हुआ है इसको एंसर सीट में लिख के ऐसे ही हिर के जगह में हीरा लिखना है और करेक्शन के जगह में करेक्शन लिखना है अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए इसमें पेंग से वे इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को काबू में रखना यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो डिलाइटफुल रेसिपी है मतलब ये जो स्वादिष्ट रेसिपी है वो निश्चित तौर पर तुम्हारे भूख को काबू में रखेगा क्योंकि इसमें जो मसाले हैं वो काफ़ी नियमित मात्रा में है बैलेंस्ड है और इसका फ्लेवर जो है ना वो भी ओरिएंटल है काफ़ी अच्छा है ठीक है तो यहाँ पर देखिए मस्ट जो यूज हो रहा है ना वो गलत है कि कोई भी रेसिपी चाहे वो कितना भी डिलाइटफुल क्यों ना हो वो किसी के भूख को काबू में रखेगा ऐसा कोई ग्रांटिड नहीं है वो काबू में रख सकता है तो यहाँ पर जो डिलवरी आप ऑब्लिकेशन है ना वो मस्ट को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा कर दिया है यहाँ पर क्या होगा विल होगा ठीक है तो यहाँ पीरियड में हमको मस्ट लिखना है और करेक्शन में विल लिखना है तो उइल और मस्ट को लेकर जो नियम है जो मॉडल भव के नियम है ना उसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो तो देखिए पेंग सेड वे मीन्स टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्राम काजिंग प्रॉब्लम्स पेंक सेड वे का मतलब होता है कि, कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जैसे इस केस में भूख को कंट्रोल करना ताकि भूख से कोई प्रॉब्लम ना हो इसके बाद उइल और मस्ट को देखिए इसको अच्छे से समझिए कि व्इल एंड मस्ट आर बोथ मॉडल वब्स दैट एक्सप्रेस डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑब्लीगेशन आर नेसेसिटी विल और मस्ट दोनों मॉडल भर में है वो अलग अलग डिग्री ऑफ ऑब्लीगेशन या जरूरत को एक्सप्रेस करते हैं विल एक्सप्रेसेज अ लाइकलीहुड आर प्रिडिक्शन ऑफ समथिंग हैपनिंग इन द फ्यूचर वाइल मस्ट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रांगर सेंस ऑफ ऑब्लीगेशन आर नेसेसिटी तो देखिए व्इल जो है ना जो भविष्य में होने वाला है कोई भी चीज उसको बताता है एक प्रकार का प्रिडिक्शन करता है आशावादी सोच के साथ क्यों हो जाएगा करके लेकिन मस्ट जो है ना हो ही जाएगा इस प्रकार के सेंस को बताता है तो यहाँ पे इसीलिए विल यूज होगा मस्ट यूज नहीं होगा अब इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड है अभिलाष एंड नेहा हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट द इनाग्रेशन ऑफ नेहा डांस अकेडमी अभिलाष और नेहा के बीच में एक कन्वर्सेशन हुआ था जब इनाग्रेशन के लिए लोग मिले थे नेहा के डांस अकेडमी में रिपोर्ट अभिलाष क्वेश्चन अभिलाष के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है इज़ यू बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर क्या तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है वो तुमको इस वेंचर में मतलब डांस एकेडमी में हेल्प कर रही है इसको हमको रिपोर्ट करना है तो इस टाइप के सेंटेंस को कैसे रिपोर्ट करते हैं इससे जुड़े रूल्स क्या हैं और कितने वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस इसमें हो सकते हैं चलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि कोई भी सेंटेंस इस टाइप का आता है तो उसको बड़ी इजी वे में आप रिपोर्ट कर सकें और पूरा पूरा नंबर आपको मिले अब इसको समझने के लिए इन सेंटेंसेस को देखिए पहला सेंटेंस है आर यू गोइंग टू माई हाउस तो देखिए क्या तुम मेरे घर जा रहे हो तो इसका आंसर यस एन ओ में दिया जा सकता है क्योंकि इसका आंसर यस एन ओ में दिया जा सकता है तो जब इसको रिपोर्ट करेंगे तो हम लोग ईफ का यूज करेंगे इफ़ या वेदर का भी यूज कर सकते हैं लेकिन जनरली इफ का यूज करते हैं तो इसका रिपोर्ट कैसे करेंगे किसी आज मी इफ़ आई वाज गोइंग टू हर हाउस बाकी जो रूल है जी डीज हमने अप्लाई किया है कि आर का वाज हो गया है और माई का हर हो गया है ठीक है तो उसके बाद सेकेंड में देखिए हो आर वो आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रहे थे अब इसका आंसर जो है ना वो यस या नो में नहीं दे सकता या दे सकती इसका आंसर उसको पूरा सेंटेंस बना के बताना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रही थी तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसके आंसर सेंटेंसेस में होते हैं ना उसमें ये जो वेयर वेयर यू गोइंग इसको हम लोग पूरा उतारते हैं इसमें इप वगैरह नहीं लिखते यहाँ पे देखिए इसका रिपोर्ट कैसे होगा ही आज डमी वे आर आई वाज गोइंग ठीक है ये समझ में आ गया आप लोगों को अब इसके बाद इसका रिपोर्ट करके आपको कमेंट में बताना है वे आर हैव यू बिन ठीक है इसको रिपोर्ट करके आप कमेंट में बताइएगा देखता हूँ कितने बच्चे इसका रिपोर्ट सही करते हैं तो जो रूल है जो हमने समझा है कि जिसके वर्डी आंसर्स होते हैं उनमें हम लोग ए जी टीज जो है ना उसको उतारते हैं लेकिन जिनके आंसर यस नो में होते हैं तब वहाँ पे हम लोग इसका रिपोर्ट करने के लिए इफ का यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने से पहले और इसको एग्जाम्पल से समझते हैं वुड यू लाइक टू ईट सम कप केक्स ये डायरेक्ट स्पीच है रिपोर्टेड स्पीच में ही आस्ड मी इफ आई वुड लाइक टू ईट सम कप केक्स ठीक है अब इसका सेकेंड देखिए हैव यू एवर सीन दान गो पेंटिंग्स ये डायरेक्ट स्पीच है इसका रिपोर्टेड में होगा सी आस्ड मी इफ आई हैड एवर सीन द वन गो पेंटिंग्स ठीक है इसमें हैब का हेड हो गया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो गया है जो रूल है उसके अनुसार से यू का आई हो गया है इसके बाद और एक, एक से इसको समझिए इसमें डायरेक्ट में है कि आर यू ईटिंग यू वेजिटेबल्स तो इसको रिपोर्ट करेंगे कि सी आज इफ़ आई वाज ईटिंग माई वेजिटेबल्स ठीक है ये समझ में आ गया आप लोगों को इसके बाद देखिए कुछ सेंटेंसेस को आप याद कर लीजिएगा कैसे इसको रिपोर्ट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम में आ सकते हैं वुड यू प्लीज शट द डोर इसको रिपोर्ट करेंगे कि सी आर्ड मी टू सर द डोर कैन यू प्लीज हेल्प मी इसको रिपोर्ट करेंगे सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर अब जो हमने समझा है क्वेश्चन उसका आंसर में हम आसानी से लिख सकते हैं इसको समझने के बाद कि लाश आस्ड नेहा वेदर भी लिख सकते हैं या इप भी लिख सकते हैं वेदर अब्लिक इप हर बेस्ट फ्रेंड वॉज हेल्पिंग हर इन दैट वेंचर या दिस का देट हो गया है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर देखिए रीड द डायलॉग बिटवीन सबनम एंड हर मेंटर सारा रिगार्डिंग हर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम ठीक है यहाँ पे सबनम एक लड़की है जो कि अपने मेंटर सारा से बात कर रही है अपने समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए तो सारा बोल रही है कि वाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम कि वो सबनम से बोल रही है कि तुमने इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों चूज किया तो सबनम आंसर कर रही है आ हा आई एम कन्वीस्ड दिस प्रोग्राम हैज़ द पोटेंशियल टू इन्हांस माई एबिलिटीज़ कि वो जो है ना इस चीज़ के लिए कन्विन्स्ड है स्योरिटी के साथ में है कि जो प्रोग्राम है उसके एबिलिटीज को बढ़ाएगा अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कम्प्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ दब डायलाग किसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन को हमको चूज करना है ताकि सही रिपोर्टिंग हो जाए जो ऊपर का डायलाग हम लोगों ने पढ़ा है उसको अब इसमें बोलता है देखिए सारा आग सबनम उसके बाद ब्लैंक है जिसमें से चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम सबनम साइड एंड एक्सक्लेम्ड दैट सी वॉज कन्विंस्ड दैट प्रोग्राम है पोटेंशियल टू एनहांस आर एबिलिटीज अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना यस या नो में नहीं आएगा इसका आंसर उसको वर्ड ली देना पड़ेगा सेंटेंस बना के देना पड़ेगा इसीलिए यहाँ पे ईप का यूज नहीं होगा ये जो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे आएगा अब यहाँ पे डीट का यूज हुआ है मतलब सिंपल पास्ट है ये तो इसका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा अब जब पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो देखते हैं ये चारों ऑप्शन में पास्ट परफेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा है तो इसका सी ऑप्शन देखिए वाई ही हैड चोजन टू पार्टिसिपेट एक्चुअल में यहाँ पे सी होना चाहिए क्योंकि वो लड़की है लेकिन इसमें दिया हुआ है ही और चूँकि ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है हैड यहाँ पर आएगा इसीलिए इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा ठीक है वाई टू चीज टू पार्टिसिपेट ये नहीं होगा टू चूज पार्टिसिपेशन ये भी गलत है रूल के हिसाब से और विद च्वाइस इन पार्टिसिपेटिंग ये तो बिल्कुल गलत है तो इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन होगा जिसे सेंटेंस बनेगा कि सारा आज द सबनम वाई सी हैड चोजन टू पार्टिसिपेट इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम सबनम साइड एंड एक्सक्लेम्ड दैट सी वॉज कन्वींस्ड दैट प्रोग्राम हैड द पोटेंशियल टू इनहांस आर एबिलिटीज ठीक है ये समझ में आ गया आप लोगों को अब इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए तो डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट का पास्ट सिंपल हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस विल का वुड कैन का कूड मेक अ माइट और मस्ट का हैड टू ठीक है इसको बार बार याद कर लीजिएगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये काम आएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है फिल द ब्लैंक बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कंक्लूडिंग लाइन आप एन इशूड सर्कुलर बाई एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स मैनेजर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मैनेजर्स को एक सर्कुलर मैंने नियम इशू कर रहा है उसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन को चूज करके ये जो लाइन है ना उसको कंप्लीट करना है अ कापी ऑफ द प्लान इज इनक्लोज एंड ब्लैंक में देखिए क्या आएगा दैट देन दिस में बी कम्युनिकेटेड टू ऑल टीम लीडर्स फार कम्प्लायस तो यहाँ पे देखिए दैट माने होता है वह देन माने तब और दिस माने यह तो सीधी सी बात है यहाँ पे दिस होगा क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस को पढ़िए अ कापी ऑफ द प्लान इज इन्क्लोज एंड दिस मे बी कम्युनिकेटेड टू ऑल टीम लीडर्स फॉर कंप्लायंस होगा है ना दैट में भी नहीं हो सकता क्योंकि जो कापी ऑफ प्लान है ना वो इंक्लोज है मतलब इसमें शामिल है यहाँ पे वो मौजूद है वो दैट तब होता जब वो दूर में रहता और देर माने तो तब होता है इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा दिस हो जाएगा यह सेंटेंस होगा अ कापी ऑफ प्लान इज इंक्लोज एंड दिस मे बी कम्युनिकेटेड टू ऑल टीम लीडर्स फॉर कम्प्लायंस इसमें क्वेश्चन नंबर सिक्स है आइडेंटिफाई द इरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस फ्राम अ कमर्शियल कंपनीज करेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसमें भी इरर को हमको बताना है कौन सा है ये जो फॉर्मेट है उसको आपको कॉपी में लिख लेना है सेंटेंस को पढ़ते हैं द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी एन एरिया फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाई द क्लाइंट्स ठीक है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि कमर्शियल कंपनीज करेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मानी ये जो है ना करेंट है मतलब अभी प्रेजेंट में है और यहाँ पे देखिए ये जो भर्वा का सेकंड फॉर्म यूज किया हुआ है एम्ड जो कि इसको फास्ट टाइम बनाता है तो 100 परसेंट चूंकि ये करेंट में है तो भर्व भी प्रजेंट में होगा फास्ट में नहीं होगा में तो एम्ड होगा इसके करेक्शन में होगा क्योंकि यहाँ पे द कंपनी जो है ना वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो सिंपल प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने पर भर्व के बाद में एस लगता है ना तो हो जाएगा ए आई एम एस द कंपनी एम्स एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरिया फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाई द क्लाइंट्स ठीक है ये इसका करेक्शन हो जाएगा अब इसका क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द इरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द क्लोजिंग लाइन फ्राम एन एनालिटिकल रिपोर्ट तो देखिए एक एनालिटिकल रिपोर्ट के क्लोजिंग लाइन में हम लोगों को इरर को फाइंड आउट करना है और करेक्शन को करना है इन कंक्लूजन दिस स्टडी एक्सप्लोर्स द एसोसिएशन ईमंग शार्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स ठीक है कि कंक्लूजन में यहाँ पे लिखा है कि ये जो स्टडी है वो बताता है क्या संबंध है शार्ट स्लीप पैटर्न में और ओवरवेट यंगस्टर्स में अब यहाँ पे देखिए इमंग का मतलब क्या होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में या चीज़ों के बीच में ठीक है और बिटवीन मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ों का बात कर रहा है ये शार्ट स्लीप पैटर्न और ओवरवेट यंगस्टर्स का इसीलिए यहाँ पे क्या होगा इमंग नहीं होगा इमंग के जगह में बिटवीन होगा इसको हम और अच्छे से समझेंगे बाकी ऑप्शन को देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लोर से लिखता है उसका एक्सप्लोर होगा बिल्कुल गलत है क्योंकि दिस स्टडी जो है ना वो सिंगुलर नंबर है थर्ड पर्सन जो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं इसीलिए सही है उसके बाद यहाँ पे एंड के जगह में आर भी नहीं होगा क्योंकि साठ स्लीप पैटर्न है ना और होगा ओवर वेट यंगस्टर्स ना कि आर होगा या नहीं होगा यहाँ पे और होगा उसके बाद इन और फार बोलता है तो ये फार कंक्लूजन तो हो ही नहीं सकता इन कंक्लूजन होगा कि ना किस कंक्लूजन में न किस कंक्लूजन के लिए ठीक है तो डी भी नहीं होगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा लेकिन इसको हम और अच्छे से समझते हैं देखिए एमंग एंड बिटवीन हैव डिफरेंट यूजेज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व एमंग यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ थ्री आर मोर इंटिटीज जैसे मैंने बताया कि एमंग का उपयोग करते हैं दो या दो से अधिक यहाँ पे तीन या तीन से अधिक दिया हुआ है अब मान के चलिए कि दो या दो से अधिक एंटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए उनके बीच में रिलेशनशिप को वाइल बिटवीन इज यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज जबकि बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में ठीक है उस रिलेशनशिप को बताने के लिए हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं इसीलिए यहाँ पेमंग की जगह में क्या होगा वो बिटवीन होगा क्वेश्चन नंबर एट है कंप्लीट द गिवन नेरेटिव बाई फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन इसमें जो ब्लैंक है ना उसको करेक्ट ऑप्शन के साथ में हमको भरना है ताकि ये जो नरेटिव वो कंप्लीट हो जाए द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी ब्लैंक ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ being kind एंड compassionate to टू creatures क्रीचर्स अब यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि जो अनुभव है एक बीमार या घायल चिड़िया का नर्सिंग करने का देख रेख करने का वो जो है ना ब्लैंक के बाद ग्रेटफुल उसको काफ़ी ज़्यादा संतोषजनक महसूस करवा रहा है क्योंकि उनको पता चल रहा है कि जो दयालु होने का सभी जानवरों के प्रति में उसका महत्व तो क्या है ठीक है अब यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन बोलता है फीलिंग बी बोलता है हैविंग फेल्ट सी बोलता है फेल्ट और डी बोलता है फील्स अब यहाँ पे क्या हो सकता है यहाँ पे होगा फीलिंग है ना क्योंकि देखिए ये जो है ना जो ग्रेटफुल इनको जो महसूस हो रहा है वो लगातार हो रहा है ठीक है हैविंग फेल्ट मतलब होता कि वो महसूस कर चुके थे ये परफेक्ट में होता तो हैविंग फेल्ट तो होगा ही नहीं और फेल्ट मतलब पास्ट वाला बात यहाँ पे तो पास्ट का कोई बात है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा जो सेंटेंस है ना वो प्रेजेंट में है और फिल से होगा नहीं क्यों फिल से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाला सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे हंड्रेड परसेंट क्या होगा फिलिंग होगा क्योंकि वो जो ग्रेटफुलनेस है उसको ये अनुभव कर रहे हैं कंटिन्यूली ठीक है इसीलिए इसका ऑप्शन सारे करेक्ट होगा फिलिंग अब इसमें क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस तो पूरे के पूरे ग्रामर में तीसरा क्वेश्चन है जो कि रिपोर्ट के ऊपर है इसलिए रिपोर्ट को काफ़ी अच्छे से और ध्यान से आपको करना है वेंडर बोल रहा है इट इज नाइस टू सी यू सर कस्टमर यस इन डीड अनलाइक लास्ट मंथ आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ ठीक है अब आगे देखते हैं द वेंडर गिटेड हिज कस्टमर respectfully एंड mentioned दैट ही वॉज प्लीज टू सी हिम फर्स्ट ऑल सेंटेंस खत्म हो गया जिसको हमको करना है वो आगे दिया हुआ है द कस्टमर एंसर्ड इन दफरमेटिव एंड explain दैट अब देखिए एक्सप्लेन दैट के बाद में क्या होगा यहाँ पे ठीक है अब यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है ना इसका टेंस क्या है यहाँ पे हैब्ब इनका प्रयोग हुआ है और फार का प्रयोग हो रहा है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है ठीक है तो ये जो है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है ना वो प्रीवियस हो जाएगा और दिस का दैट हो जाएगा अब देखिए इसको हम लोग रिपोर्ट कैसे करेंगे पूरा सेंटेंस को पढ़ लेते हैं द वेंडर his हिज कस्टमर and एंड that ही वॉज प्लीज टू सी हिम द कस्टमर एंसर्ड इन द affirmative एंड एक्सप्लेन दैट इसके बाद देखिए जो आंसर है यहाँ से हमको लिखना है अनलाइक द प्रीवियस मंथ ही हैड बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दैट मंथ ठीक है ये क्या हो जाएगा पूरा पूरा इसका आंसर हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर टेन देखिए फिल द ब्लैंक बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कम्प्लीट द लाइव फीड ऑन स्कूल न्यूज़ चैनल तो एक स्कूल का न्यूज चैनल है जिसमें लाइव फीड हो रहा है उसके लिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है उसमें करेक्ट ऑप्शन को हमको चूज करना है ताकि कम्प्लीट हो जाए कॉन्ग्रेजुएशंस चेंज मेकर्स द रिजनल कॉम्पिटिशन अवार्ड्स हैउंस्ड एंड आवर स्कूल म्यूजिक क्लब ब्लैंक द फर्स्ट प्राइज ठीक है तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है ना वो प्रजेंट में है अब इसके ऑप्शन देखिए ये बोलता है हैड बिन वन ये जो पास्ट है ना गलत होगा विल विन ये फ्यूचर है भी गलत होगा वाज विनिंग जीत रहा था है ना अभी पास्ट है भी गलत होगा तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा हैज़ वन ठीक है तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा कि द रिजनल कॉम्पिटिशन एवॉर्ड्स हैव बिन अनाउंसड एंड आवर स्कूल म्यूजिक क्लब हैज वन द फर्स्ट प्राइज कि हमारा जो स्कूल म्यूजिक क्लब है उसने पहला पुरस्कार जीता है क्वेश्चन नंबर इलेवन है कंप्लीट द लाइन फ्राम अ सेल्फ अवेयरनेस सांग बाय फिलिंग द ब्लेंग विद द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे एक लाइन को कंप्लीट करना है जो कि सेल्फ अवेयरनेस सांग के ऊपर है करेक्ट ऑप्शन के साथ में इसको पढ़ते हैं और करते हैं द रिवर रंस थ्रू यूअर वंश के जो नदी है तुम्हारे वंश से बह रही है द ट्रीज एंड द माउंटेंस ब्लैंक यूर नेम द मून एंड स्टार्स वॉच ओवर यू आर गाइडिंग यूअर वे बैक होम टू ड्रीम द नाइट अवे तो देखिए जो पूरा का पूरा इसमें सेंटेंसेस दिया हुआ है ना ये सारे के सारे प्रेजेंट में है कि जो ट्रीज हैं जो माउंटेंस हैं वो तुम्हारे नाम हैं जो मून और स्टार्स हैं तुमको देख रहे हैं और तुम अपने घर की तरफ वापस गाइड हो रहे हो और जो ड्रीम है नाइट का है ना वो यहाँ पे है इस टाइप का इसका मीनिंग निकल रहा है मोटा मोटा तो देखिए इसमें ए ऑप्शन बोलता है विल काल ये फ्यूचर तो है ही नहीं फिर भी बोलता है काल तो यहाँ पे देखिए काल ही होगा क्योंकि द ट्रीज एंड माउंटेन्स ये प्लूरल नाउन है यहाँ पे डी में काल से दिया हुआ है अगर ये सिंगुलर रहता तो ये काल से होता लेकिन चूंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है ऑप्शन बी करेक्ट होगा काल और हैड काल तो होगा ही नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट है पास्ट तो है ही नहीं इसीलिए इसका ऑप्शन बी काल सही होगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो ग्रामर में लास्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि आइडेंटीफाई द इयर एंड द सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग नोट इन अ पैसेंजर्स फ्लाइट इंस्ट्रक्शन मैन्यूल तो यहाँ पे पैसेंजर्स फ्लाइट इंस्ट्रक्शन मेन्यूल का एक नोट है है ना जो पैसेंजर्स के लिए है उसमें एक इरर दिया हुआ है उसमें हमको करेक्शन करना है नोट है कि पैसेंजर्स विल नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट इन आर्डर टू ए वाइड अ फाइन इक्वलेंट टू फाइव परसेंट ऑफ द बेसिक फेयर तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि पैसेंजर्स विल नॉट रीच अब यहाँ पर विल का यूज़ कर रहा है जैसे कि हम विल के बारे में जान चुके हैं कि ये लिस्ट अमाउंट आप ऑब्लिगेशन को दिखाता है सबसे कम मात्रा के ऑब्लिगेशन को दिखाता है यहाँ पर लिस्ट मस्ट तो नहीं होना चाहिए लेकिन 50 परसेंट ओब्लीगेशन होना ही चाहिए कि जो पैसेंजर्स हैं ना वो एयरपोर्ट में लेट ना पहुँचें अगर पहुँचेंगे तो क्या होगा उनको जो बेसिक फेयर है ना उसका पाँच जुर्माना देना पड़ेगा यहाँ पर विल की जगह क्या होगा सूड होगा तो इस टाइप का फॉर्मेट आपको कापी में बनाना है और इधर में क्या लिखेंगे विल और करेक्शन में लिखेंगे सूड तो विल और सूड को भी अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं देखिए विल इज यूज टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट आर एक्शन दैट इज सर्टेन टू है पेन आर इज इंटेंडेड टू है है ना कि जो होने वाला है या जिसके होने की संभावना है सूड इज अपन यूज टू इंडिकेट एन ओब्लीगेशन ड्यूटी आर रिकमेंडेशन यहाँ पे सूड यूज होगा क्योंकि सूड से ये पता चलेगा कि अगर वो लेट जाते हैं तो उनको पाँच परसेंट जुर्माना पड़ेगा इसीलिए वो लेट ना जाएं। तो आशा करता हूँ जो ग्रामर है ना काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा